अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी न्यूट्रिशनिस्ट आपका टीवी से डॉक्टर साहर चावला एक मालूमाती वीडियो के साथ। अगर आप चाहते हैं कि मेरी इन्फॉर्मेशन वीडियोस आप तक पहुँचती रहे तो प्लीज़ आपका टीवी चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने लगी हूँ, मुझे उसके बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे कि डॉक्टर साहिबा ब्लड प्रेशर की रूटीन डिस्कस करें, ब्लड प्रेशर के बारे में डाइट डिस्कस करें। तो मैंने सोचा कि एक कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल्ड वीडियो बना लेते हैं जिसमें यह भी बता देते हैं कि ब्लड प्रेशर में क्या क्या खाना चाहिए और यह भी बता देते हैं कि ब्लड प्रेशर में क्या क्या नहीं खाना चाहिए, चाहे वीडियो लंबी हो जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड प्रेशर बेसिकली है क्या? नाम आपके पास इंडिकेट करता है, ब्लड प्रेशर यानी वो प्रेशर जो आपका खून जब आपकी रगों में बहता है तो आपकी रगों की जो वॉल्स हैं उनके ऊपर एक्सर्ट करता है, उसको आप ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये ब्लड प्रेशर आपके पास एक नॉर्मल लेवल पर मेंटेन रहना चाहिए। अगर ये आपके पास ऊपर हो जाता है, हम आज हाइपरटेंशन की बात कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर ज्यादा होने की बात करें, इंशाल्लाह कभी हम हाइपोटेंशन यानी ब्लड प्रेशर कम होने की बात भी करेंगे। अगर आपके पास ये ब्लड प्रेशर ऊपर हो जाता है तो इसका मतलब है कि आपके दिल को मजीद तेजी से धड़कना पड़ता है ताकि वो एफिशिएंटली सारे ऑर्गन्स को खून प्रोवाइड कर सके। अब जब उसको मजीद तेजी से धड़कना पड़ता है, इसका मतलब है कि उसको ओवरटाइम करना पड़ता है, तो आप अपने हार्ट पर लोड इंक्रीज कर रहे हैं। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको यहां बताती चलूं कि एन एवरेज ह्यूमन हार्ट बीट्स अराउंड 2.5 बिलियन टाइम्स इन अ लाइफ टाइम, विच इज नॉट लेस। वो ऑलरेडी इतनी बार धड़कता है, आप उस पर क्यों एक्स्ट्रा प्रेशर डालना चाह रहे हैं? अगर खुदा ना खास्ता आपका ब्लड प्रेशर जरूरत से ज्यादा रहता है तो हार्ट फेलियर हो सकता है, खुदा ना खास्ता स्ट्रोक हो सकता है, किडनी के अमराज हो सकते हैं, क्योंकि ब्लड प्रेशर का डायरेक्ट किडनी के बर्डन से एसोसिएशन है। मैं आपको ये भी इंफॉर्मेशन बताती चलूं कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखना इतना ज़्यादा ज़रूरी है, वो हजरात जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है उनमें दिल में अमराज होने का चांस 2 गुना ज़्यादा होता है और उनको हेमरेज या स्ट्रोक होने का जो रिस्क है वो 4 से 6 गुना ज़्यादा होता है। जी हाँ, हम न्यूट्रिशन के हवाले से बात करने लगे हैं कि आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किस तरह कर सकते हैं। यकीन करें, अगर आप अपने माइंड में गोल सेट कर लें कि आपने अपना ब्लड प्रेशर डाइट के थ्रू कंट्रोल रखना है, अपनी रूटीन के थ्रू कंट्रोल रखना है, तो आपको कभी मेडिसिन की जरूरत ना पड़े। यहां तक कि आपकी मेडिसिन बड़ी कंट्रोल लेवल पे आ सकती है या हो सकता है कि आपकी मेडिसिन से जान छुट भी जाए। जब आपने अपना डाइटरी रिजीम स्टार्ट करना है, आपने अपने माइंड में ये गोल रखना है कि मैंने अपनी मेडिसिन को कंट्रोल में लाना है या मैंने खुद को कभी ब्लड प्रेशर होने ही नहीं देना, या अगर मुझे ब्लड प्रेशर है तो मैंने खुद को ब्लड प्रेशर की कॉम्प्लिकेशन का शिकार नहीं होने देना, जिसमें आपके पास हार्ट प्रॉब्लम, स्ट्रोक, किडनी डिसऑर्डर्स वगैरह वगैरह जिसका मैं जिक्र कर चुकी हूँ वो सब आते हैं। अब आपके पास रिसर्चेस ये बताती हैं कि अगर आप एक्सरसाइज इतनी इफेक्टिवली नहीं भी करते और खाली अपनी डाइट से अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करते हैं तो वो भी एक बहुत इफेक्टिव मेजर्स है और उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं, क्योंकि वज़न बढ़ने का डायरेक्ट एसोसिएशन हार्ट डिजीज़ से है, ब्लड प्रेशर से है, किडनी डिसऑर्डर से, और अल्टीमेटली जब आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बिल्टअप होते हैं ये भी स्ट्रोक करने में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। न्यूट्रिशनिस्ट की लैंग्वेज में आपके पास ब्लड प्रेशर के कंट्रोल को डाइट के थ्रू कहा जाता है डैश। डैश का मतलब है डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन, यानी खाने में किन चीज़ों का इंतखाब करना है और किन चीज़ों से गुरेज करना है कि आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकें। आपने 3-4 चीज़ों का मोटा मोटा ख्याल रखना है। सबसे पहले तो नमक का इस्तेमाल आपने बहुत ज़्यादा कम करना है, इसको भी आगे हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। 58% ऑफ द हाइपरटेंसिव दे आर सेंसिटिव टू सॉल्ट, यानी आपके पास 58% ब्लड प्रेशर के मरीज वो हैं जो कि नमक ज़्यादा कम होने को रिस्पॉन्ड करते हैं। नमक कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है आपके पास जो ब्लड प्रेशर है उसको अफेक्ट करने में या कंट्रोल करने में। फ्रेश फलों और सब्जियों का इस्तेमाल करें आप, सैचुरेटेड फैट्स, ट्रांस फैट्स, तले हुए खाने कम खाएं, जिस सबको भी हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। खाने में जिन चीज़ों का इंतखाब होना चाहिए उनमें आपके पास 4 चीज़ें होना ज़रूरी हैं, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। कैल्शियम आपके पास ज़्यादातर डेयरी प्रोडक्ट्स में होते हैं। कैल्शियम करता क्या है? कैल्शियम जो है आपके हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट और डायलेट करता है, आपकी ब्लड वेसल्स को रिलैक्स रखता है और आपका जो ब्लड है उसकी वजह से स्मूथली फ्लो करता रहता है। जो मैग्नीशियम है वो भी आपके हार्ट फंक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी मसल रिलैक्सेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम जैसे आपके पास डेयरी प्रोडक्ट्स में है, जो मैग्नीशियम है आपके पास वो आपके पास ऑलमंड्स में होता है, वो आपके पास वॉलनट्स में होता है, आपके पास स्पिनच में बहुत ज़्यादा होता है, आपके पास सीड्स में बहुत ज़्यादा होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो है वो बॉडी में ओवरऑल इन्फ्लेमेशन कम करते हैं, ब्लड की जो फ्लो और सर्कुलेशन है उसको बहुत अच्छा रखते हैं, बॉडी में जो स्ट्रेस लेवल्स है उसको कम करते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का बहुत अच्छा सोर्स आपके पास फैटी फिश है, आपके पास एवोकाडो है, आपके पास सीड्स हैं। इसके अलावा जो पोटेशियम है, पोटेशियम इज़ द क्रूशियल रेगुलेटर इन मेंटेनेंस ऑफ ब्लड प्रेशर। आपके पास जब सॉल्ट
ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है, जब सोडियम ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है तो वो ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, वो बॉडी में पानी रोकता है। जो पोटेशियम है उसका काम क्या होता है, वो ज़रूरत से ज़्यादा सोडियम को किडनीज के थ्रू बॉडी से फ्लश आउट कर देता है, तो वो बॉडी में डिहाइड्रेशन की कंडीशन नहीं होने देता, वो ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं होने देता, वो उनके वॉल्यूम को डायलेट करता है, रिलैक्स करता है और बॉडी में फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करके रखता है। अब आपके पास जिन खानों में पोटेशियम बहुत ज़्यादा है वो खाने भी बेशुमार हैं, आप कोकोनट वाटर की बात कर लें, आप बनाना की बात कर लें, आप खजूरों की बात कर लें, आप सिट्रस फ्रूट्स की बात कर लें, जिसमें ख़ास तौर पर आपके पास ऑरेंजेस, टैंजरीन्स, लेमन्स, पपायाज, गवावाज आ जाते हैं, आपके पास वाइटामिन सी रिच वेजिटेबल्स में ब्रोकली आ जाते हैं, आपके पास बेल पेपर्स आ जाते हैं, आपके पास टोमेटोज जो हैं वो बहुत अच्छा सोर्स है पोटेशियम का, मैंगोज़ बहुत अच्छा सोर्स है आपके पास पोटेशियम का, आपके पास जो चुकंदर है, बीट रूट है, वो आपके पास बहुत अच्छा सोर्स है पोटेशियम का। तो ये कुछ पोटेशियम के सोर्सेज हैं जिनको जब आप अपनी डाइट में इंक्लूड करें आप अपना ब्लड प्रेशर बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। बनानास में पोटेशियम के अलावा आपके पास कैल्शियम भी होता है और मैग्नीशियम भी होता है और ये एक्सीलेंट हाइड्रेटर है। तो बनाना का आप जिन लोगों को हाइपरटेंशन की शिकायत है वो अपनी डाइट में डेली इस्तेमाल रखें। बेरीज जो हैं आपके पास, चाहे वो स्ट्रॉबेरीज हों, ब्लैक बेरीज हों या रस बेरीज हों, सब एंटीऑक्सीडेंट्स में रिच होती हैं और सब ब्लड प्रेशर को कंट्रोल भी करती हैं। यहाँ तक कि ये भी रिसर्चेज हुई हैं कि जो लोग अपनी खुराक में बेरीज का बहुत फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं उनको कभी ब्लड प्रेशर की शिकायत होती ही नहीं है। जो आपके पास चुकंदर और बीट रूट है वो आपके पास पोटेशियम में भी रिच है, कैल्शियम में भी रिच है और मैग्नीशियम में भी रिच है, और इसके अलावा वो आपके पास डाइट्री नाइट्रेट्स में रिच है। नाइट्रेट्स आपके पास क्या करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड आपके पास ब्लड में क्या करती है कि वो ब्लड वेसल्स को डायलेट करती है, खून की रवानी को अच्छा रखती है, खून जो है वो ब्लड वेसल्स में ईजिली फ्लो करता है, तो आपके पास ब्लड प्रेशर की शिकायत होने के चांसेस जो हैं वो बहुत कम है। मसालों में मैं गार्लिक का जिक्र करना चाहूँगी, गार्लिक का मैं अक्सर ही जिक्र करती हूँ, ये नेचुरल बैक्टीरियासाइडल है। गार्लिक में कंपाउंड होता है एलिसिन, एलिसिन जो है दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोअरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर, और ये जो एलिसिन है ये बॉडी में आपके पास नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड आपकी ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है, स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करता है, ब्लड प्रेशर की शिकायत नहीं होती। ध्यान रहे कि जो लहसुन का आप इस्तेमाल करें एक क्लोव काफ़ी है, और रॉ और फ्रेश लहसुन का इस्तेमाल करें, पका के लहसुन का इस्तेमाल ना करें, वो अपनी अफादियत खो देता है। तो हाइपरटेंशन के जो मरीज़ हैं उनको चाहिए वो अपनी खुराक में डेली जो है वो लहसुन को इंक्लूड करें। इसके अलावा फाइबर वाले खाने आप ज़्यादा लें, क्योंकि जब आप ज़्यादा फाइबर लेते हैं तो आपकी बॉडी में जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो कम हो जाता है। ओट मील का इंतखाब ज़रूर करें, 100 ग्राम ऑफ फोर्टिफाइड सीरियल में आपके पास 10 ग्राम ऑफ फाइबर होता है, 359 ग्राम ऑफ पोटेशियम होता है, 352 ग्राम ऑफ कैल्शियम होता है, और ये सारी चीज़ें आपके ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। इसके अलावा इसमें आपके पास नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल्स भी ब्लड में ज़्यादा करने की टेंडेंसी बहुत होती है। वेजिटेबल्स में आप कोशिश करें, आप लेटस का इस्तेमाल करें, स्पिनच का इस्तेमाल करें, केल का इस्तेमाल करें, कैबेज का इस्तेमाल करें, लेटस का इस्तेमाल करें, कैरेट्स का इस्तेमाल करें, ग्रीन बीन्स का इस्तेमाल करें, ग्रीन पीस का इस्तेमाल करें, ये सब आपके पास कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और फोलेट में रिच हैं। ये सब हार्ट हेल्दी न्यूट्रिएंट्स हैं, ब्लड की सर्कुलेशन को हेल्दी रखते हैं, ब्लड वेसल्स को रिलैक्स रखते हैं, और इन वेजिटेबल्स में आपके पास नेचुरल नाइट्रेट्स भी होते हैं, यानी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल्स को आपके पास इंप्रूव करते हैं। स्किम मिल्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, लो फैट मिल्क का इस्तेमाल करें, इसमें आपके पास कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम तीनों मौजूद होते हैं। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत है वो लो फैट योगर्ट का भी इस्तेमाल करें, हफ्ते में 4 से 5 बार। योगर्ट में भी आपके पास कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम मौजूद है। डार्क चॉकलेट आपके पास अफादियत से भरपूर है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, डार्क चॉकलेट पर इंशाल्लाह हम एक सेपरेट वीडियो भी करेंगे। डार्क चॉकलेट के 1 से 2 क्यूब आप डेली खाएं, उसमें आपके पास फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, फ्लेवोनॉइड्स हार्ट हेल्दी न्यूट्रिएंट्स हैं, फ्लेवोनॉइड्स आपके पास जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको इंप्रूव करते हैं। कीवी में आपके पास इतनी ही अफादियत है जितनी की अफादियत आपके पास बेरीज में है और जितनी की अफादियत आपके पास अंगूरों में है। कीवी में आपके पास एक विटामिन होता है जिसको आप ल्यूटीन कहते हैं, ल्यूटीन हैज एन एक्सीलेंट ब्लड प्रेशर लोअरिंग इफेक्ट, तो कीवी का भी आप अपनी खुराक में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा तरबूज में आपके पास पोटेशियम भी है, तरबूज में आपके पास मैग्नीशियम भी है, तरबूज आपके पास एक एक्सीलेंट हाइड्रेटर है, और तरबूज में आपके पास एक कंपाउंड होता है सिट्रुलिन। सिट्रुलिन जब हमारी बॉडी में जाता है ये आर्जिनिन बना देता है, और ये आर्जिनिन हमारी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, और नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है, हमारी एक्सरसाइज करने की एबिलिटी को इम्प्रूव करता है, और हमारे सारे ऑर्गन्स में जो ब्लड फ्लो है उसको तेज करता है। हाँ जी नाज़रीन, तो ये तो हो गई थोड़ी सी डाइटरी रिकमेंडेशंस डैश टू स्टॉप हाइपरटेंशन। अब हम आ जाते हैं उन गिजाओं की तरफ जिनसे आपने इज्तनाब करना है ताकि आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत ना हो, और अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो उन डाइट्स का आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। नंबर 1, आपने अपनी खुराक में जिस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना
होता है वो आ जाते हैं आपके पास प्रोसेस्ड मीट्स और रेड मीट। हाँ जी, जो प्रोसेस्ड मीट्स होते हैं, जो पैकेज मीट्स होते हैं, जिस तरह सॉसेजेस होती हैं, जिस तरह बारबेक्यू होता है, जो कैन मीट्स होती हैं, वो प्रिजर्वेटिव्स की वजह से अपने सॉल्ट कंटेंट में बहुत हाई होते हैं। जैसा कि हम बात कर चुके हैं, नमक का खुराक में ज़्यादा इस्तेमाल होना आपके ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा नहीं है, और नमक प्रिजर्वेटिव्स में ज़्यादा इसलिए डाला जाता है ताकि खाना जो है वो ज़्यादा देर तक उसकी शेल्फ लाइफ रहे, खाना जो है वो एडिबल रहे, वो खाने के काबिल रहे, वो प्रिजर्व्ड रहे। यहाँ तक कि आपके पास सिर्फ एक सर्विंग ऑफ प्रोसेस्ड मीट में 600 मिलीग्राम ऑफ सोडियम हो सकता है। तो सोचिए कि जब आप बगैर सोचे समझे वाइट ब्रेड भी पकड़ते हैं, उस पर चीज़ भी डालते हैं, उस पर मीट भी डालते हैं, उस पर केचप भी डालते हैं, उस पर मायोनीज भी डालते हैं, उस पर पिकल्स भी डालते हैं, तो आप अपनी बॉडी का सॉल्ट ओवरलोड कितना ज़्यादा कर रहे हैं। और मैं बताती चलूँ कि आपके दिन की डेली सॉल्ट की रिक्वायरमेंट जो है वो 2350 मिलीग्राम से ऊपर नहीं होनी चाहिए। यह आपकी डेली रिक्वायरमेंट है सॉल्ट की, जो कि दिन की होनी चाहिए। रेड मीट की तरफ हम आ जाते हैं। रेड मीट भी आपके पास इक्वली हार्मफुल हो सकती है। आपके पास सिर्फ 18 ounces ऑफ रिबाई के अंदर 1140 कैलोरीज होती हैं, 79 ग्राम्स ऑफ फैट होता है, और आपके पास इसमें 1500 मिलीग्राम्स ऑफ सोडियम होता है। टोमेटो सॉस, मैरिनारा सॉस, पिज़्ज़ा सॉस, ये सारी सॉसेज जो हैं आपके पास, ये सब आपके पास सॉल्ट का अंबार हैं, ये ब्लड प्रेशर के लिए अच्छी नहीं है। अगर आप सिर्फ एक कप ऑफ टोमेटो जूस की बात करें तो उसमें आपके पास 600 मिलीग्राम ऑफ सोडियम यानी सॉल्ट तक हो सकता है, और अगर आप सिर्फ एक सर्विंग ऑफ स्पेगेटी पास्ता की बात करें तो उसमें आपके पास 1300 मिलीग्राम ऑफ सोडियम हो सकता है। और याद रहे कि जब मैं एक सर्विंग की बात करती हूँ तो एक सर्विंग का मतलब है आधा कप, और हमारे रेस्टोरेंट्स में हमें जो सर्विंग दी जाती है, हमारे रेस्टोरेंट्स में हमें 4 कप्स दिए जाते हैं, हमें उसका आदि किया हुआ है, यानी हम 8 सर्विंग्स एक बार लेते हैं। तो इन 8 सर्विंग्स को आप 13 सॉल्ट से मल्टीप्लाई करें तो खुद सोचें कि आप एक टाइम डिनर में बैठ के कितना सॉल्ट ले रहे हैं, जबकि आपकी डेली रिक्वायरमेंट जो है वो 2350 मिलीग्राम यानी 2350 मिलीग्राम है। नूडल्स का पैकेट बजाहे तो देखने में बहुत छोटा लगता है, और बहुत माजरत के साथ लेजी लोगों के लिए एक बहुत ईजी और बड़ी कन्वीनियंट ऑप्शन भी है, लेकिन सिर्फ एक छोटे से नूडल्स के पैकेट में आपके पास 14 ग्राम्स ऑफ फैट और अराउंड 1580 मिलीग्राम ऑफ सोडियम होता है। टर्की बेकन सबको खाने का बहुत शौक है, रेस्टोरेंट में एक बहुत फैंसी स्टार्टर ऑप्शन भी है। टर्की बेकन आजकल एक बड़ी ही फैंसी और बड़ी ही टेस्टी ऑप्शन है, रेस्टोरेंट्स उसको स्टार्टर्स के तौर पे भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आपके पास सिर्फ 3 बेकन्स में, मैं आपको बताती चलूँ, अराउंड 1270 मिलीग्राम ऑफ सोडियम होता है और 4.7 ग्राम्स ऑफ फैट होता है, विच इज़ अलॉट। पिज्ज़ा आपके पास, पिज्ज़ा में आपके पास वाइट ब्रेड भी है, आपके पास चीज़ भी है, आपके पास मीट भी है, आपके पास सॉस भी है, आपके पास मसाले भी हैं, तो आपके पास सिर्फ एक स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा में 1000 मिलीग्राम ऑफ सॉल्ट होता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। चाइनीज़ खानों की अगर हम बात कर लें तो ये बाप है नमकीन खानों के। चाइनीज़ को यूली बड़ा लाइट और बड़ा हेल्दी समझा जाता है, जी नहीं। आपके पास सिर्फ 1 टेबल स्पून ऑफ सोया सॉस या 1 टेबल स्पून ऑफ तेरियाकी सॉस, जो कि वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसमें 1000 मिलीग्राम ऑफ सोडियम होता है, और सिर्फ एक बोल ऑफ हॉट एंड सॉर सूप में आपके पास 7890 मिलीग्राम ऑफ सॉल्ट होता है। सोचिए किसी भी एवरेज चाइनीज डिश में आपके पास आपके दिन की 2 दिन से भी ज्यादा की सॉल्ट की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। 3200 मिलीग्राम ऑफ सॉल्ट तो आराम से उनके किसी भी डिश में शामिल होता है। तो अगली बार किसी भी चाइनीज़ रेस्टोरेंट में जाएंगे तो खाना ऑर्डर करते हुए थोड़ा सोचिएगा कि आप अपनी बॉडी में कितना ज़्यादा सॉल्ट ओवरलोड कर रहे हैं। पिकल्स की अगर मैं बात करूं, पिकल्स एक बड़ी नोटोरियस चीज़ है। पिकल्स आपके पास एक मासूम से खीरे को भी पकड़ के सॉल्ट का स्पंज बना देती है, और जितनी देर आपके पास सब्जियाँ जो हैं वो अचार के मसाले में रहती हैं उतना ही ज़्यादा वो आपके पास सॉल्ट एब्जॉर्ब करती हैं और उतना ही नोटोरियस होती जाती हैं। मैं मानती हूँ कि पिकल्स में आपके पास कैलोरीज नहीं है, पिकल्स में आपके पास फैट नहीं है, लेकिन 3 मीडियम साइज पिकल्स जो कि अराउंड 7.5 इंच लंबे होते हैं आपके पास, उसमें आपके पास अराउंड 2350 मिलीग्राम तक ऑफ सॉल्ट होता है, जो कि आपके दिन की डेली रिक्वायरमेंट को सिर्फ 3 मीडियम साइज छोटा सा अचार जो है पूरा कर सकता है। डोनट्स जो हैं आपके पास, या आपके पास चिप्स और निम्को और बिस्किट से भी बुरे हैं। डोनट्स सिर्फ एक डोनट में आपके पास 300 कैलोरीज होती हैं, जिसमें आपके पास 42% ऑफ फैट होता है और 54% कार्बोहाइड्रेट शामिल होता है। आपके पास जितने भी कैंड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, ये आपके पास प्रिजर्वेटिव से लदे होते हैं, इनका इस्तेमाल मत करें। इसके अलावा रिफाइंड फूड्स का और बेकरी गुड आइटम्स का इस्तेमाल मत करें। रिफाइंड फूड्स में शुगर भी होता है, रिफाइंड फूड्स में प्रिजर्वेशन के लिए सॉल्ट भी होता है। जब फाइंड फ्रूट खरीदते हैं प्लीज़ उनके लेबल्स को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। और जो बेकरी आइटम्स होते हैं खाने से, वैसे भी आप वेट पुट ऑन करते हैं, और जब आप वेट पुट ऑन करते हैं तो वैसे भी आप खुद को ब्लड प्रेशर के
जर्नी की तरफ बहुत इजीली उस प्रोग्रेस करवाते हैं। आखिर में मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि जो कॉफ़ी है उसका इस्तेमाल भी मॉडरेशन में करें। कॉफ़ी जो है वो आपकी बॉडी के स्ट्रेस सिस्टम को एक्टिवेट कर सकती है, कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन को, और वो भी आपका ब्लड प्रेशर तेज़ कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके काम आएगी और आपको ब्लड प्रेशर पर एक कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि आपने अपनी डाइट्री गाइडलाइंस में क्या फॉलो करना है, किन चीज़ों को सिलेक्ट करना है, किन चीज़ों से परहेज करना है। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।